आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र करता हूँ मैं समर्पण, गाइए अपने हाथों को उठाकर आज सुबह, ये आत्मा और ये जीवन एक बार मिलकर, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, हाथ को उठाकर मिलकर गाएं साथ में, ओ हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आ जा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आ जा, अपनी सामर्थ से
हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आ जा मिलकर गाएं अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आ जा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आ जा अपनी सामर्थ हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, एक बार मिलकर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज, मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं उससे बड़ा आनंद और कहीं नहीं है। हालेलुया। आपके पास जो खड़े हैं उनको देखकर बोलिए मैं आनंदित हूं क्योंकि मैं प्रभु के भवन में हूं। हालेलुया। एक वचन है जो हम पढ़ना चाहते हैं सुबह, आज सुबह मैं सोच रहा था कुछ बातों को तो परमेश्वर ने एक वचन दिया, मैं चाहता हूँ हम पढ़ें साथ में। तैयार हैं आप लोग? मत्ती 5 उसका 20 से हम पढ़ेंगे। तैयार हैं आप लोग? हम लोग साथ में पढ़ेंगे, मैं 1, 2, 3 बोलूंगा, आप हम साथ में पढ़ेंगे। रेडी? 1, 2 और 3। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता कहां चला गया भैया,
एक बार, 1, 2 और 3। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। आगे, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। आगे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। आगे, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ देना और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे साथ हैं। आज सुबह छोटी सी एक घटना हुई, मैं आपको बताऊं, मेरे घर पे साधारण घटना है, आपके घर पे भी होता होगा। सुबह हम लोग सब तैयार हो रहे थे, तो हमारे घर पे सबसे पहले तैयार होता वियान, तो मम्मा ने उसको तैयार किया, मैं वो बैठ गया बाहर जाके, और हम लोग फिर रेडी हो रहे थे, और वो एकदम रेडी बैठा था सब, मतलब उसने सब अपना बैग वैग पैक कर दिया, पानी वानी सब लेके वहाँ रखा था। लेकिन वो बाइबल पढ़ रहा था तो इतना खो गया कि हम लोग बाहर निकले उसको समझ में नहीं आया कि हम बाहर निकले, तो उसके वजह से क्या हो गया कि 2-5 मिनट क्या हो गया और लेट हो गया, क्योंकि उठा नहीं, जूते उसने साफ नहीं किए तो 2 मिनट लेट हो गया। तो मम्मा ने उसको सुबह सुबह क्या कर दिया, थोड़ा सा झाड़ दिया, और हमारे वियान को आप कुछ भी थोड़ा सा बोलो तो ऐसे आंसू। मुझे ही बताओ वियान ने क्या गलत किया, सब अच्छा किया, सब अच्छा किया ना, लेकिन जिस कारण से हमको जल्दी आना था उस कारण से उसको बोला जल्दी आप लोग क्या करना, रेडी हो जाना, अपना सब चीजें ले लेना, लेकिन वो खो गया। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सब कुछ मान लेते हैं लेकिन कुछ चीजें छोड़ देते हैं। हालेलुया, आज मेरे साथ हैं आप लोग, मेरे साथ हैं आप लोग, सब कुछ मानते हैं और छोटी बात छोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन, ये वचन जब मैं आज सुबह मुझे स्मरण आया तो मैंने इसमें यह ढूंढा मेरे लिए क्या है। अब मैंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि भाई मैंने गलती ना कहो, मेरे भाई ने गलती की हो तो, लेकिन ये वचन में ऐसा कोई स्पष्टता नहीं है कि तूने गलती की या उसने गलती की, तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे वजह से। मसीह जीवन में परमेश्वर मुझे ठीक होने को कहता। अब मेरे साथ हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से छोटे से भी अगर तुम किसी को ठोकर पहुंचाओ तो क्या करना, उसके गले में पाट बांध के उसको नदी में फेंकना। कहने का मतलब गलती किसकी है ये जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने मेरा मन मेरा आत्मा सही होना है, इसलिए मुझे क्या करना है, मेहनत करना। हालेलुया। इसके लिए यीशु ने कहा कि जब लोग तुमको देखें तो तुम्हारे प्रेम को देख के कहें कि ये किसके चेले हैं, मसीह के चेले। इसका मतलब मेरा आवरण, मेरा जीवन, मेरा सोच, मेरा काम कुछ लोग देख रहे हैं। हालेलुया। वेदी में हम भेंट चढ़ाने आए हैं आज सुबह। अगर ऐसा कहीं आपको लगता है, हम बड़ी बातें करने के लिए तैयार हैं लेकिन छोटी बातें हमसे छूट जाती हैं। हालेलुया। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं, कुछ भी बड़ा कन्वेंशन स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटी बात करने के लिए हम तैयार हैं। आज सुबह छोटी बातें मायने रखती हैं। हालेलुया। तैयार हैं आप लोग, समझ रहे मैं जो कह रहा हूँ आज? एक मिनट अपने आंखों को बंद करें। हम क्या, हम गा रहे पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हम में बसने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, कहे परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि परमेश्वर तू मुझ में बस सके। हालेलुया। मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं पवित्र ठहरना चाहता हूँ। गलती मेरी हो या सामने उसकी बात नहीं है, बात यह है कि परमेश्वर के सामने मुझे ठीक होना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे निडर होके खड़े रहना है और मुझे कहना है कि परमेश्वर मैं दिल से तेरी आराधना करता हूँ, मेरे दिल में बोझ नहीं है।
हालेलुया। आज सुबह अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर की आत्मा से हम भर जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों का कब्जा, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, लेकिन आज जब हम ये गा रहे हैं, गीत को गा रहे हैं, पवित्र आत्मा से कह रहे हैं, परमेश्वर मेरा कब्जा तू ले, पूरा कब्जा तू ले। अगर कोई एरिया छूट गया है, कुछ बातें छोड़ दी है मैंने, कुछ बातों को रहने दिया है, आज सुबह मैं समर्पण करता हूँ अपने आप को कि परमेश्वर तू उन सभी बातों के ऊपर प्रभु बन जा, ताकि मैं सब कुछ जो तुझे चाहिए, तुझे अच्छा लगता है वो कर सकूं। मैं चाहता हूं अपने हाथ को उठाएं और मेरे साथ इस बात को कहें और प्रार्थना करें और समर्पण करें। आज सुबह परमेश्वर, अगर कहीं मेरे अंदर कोई कमी रह गई, आज सुबह परमेश्वर मुझे मदद कर। अगर मेल मिलाप में कोई कमी रह गई, लोगों के साथ, भाइयों के साथ, मेरे परिवार में, परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि मैं ठीक हो सकूं। परमेश्वर गलती मेरी हो या नहीं, लेकिन परमेश्वर मेल मिलाप करने की आत्मा, माफ करने की आत्मा मुझे दे परमेश्वर। हालेलुया, हम माफी मांगते परमेश्वर का वचन कहता, प्रार्थना में हम कहते हैं जैसे मैं करता हूं वैसे परमेश्वर मेरे साथ करे। हालेलुया, प्रभु ने जब प्रार्थना सिखाई, कहा जैसे मैं व्यवहार करता हूँ वैसे तू मेरे से व्यवहार। आज सुबह हम क्या व्यवहार करना चाहते हैं? क्या हम न्याय करना चाहते हैं? क्या हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, फरीसी और सदूकियों की धार्मिकता से अधिक, सुबह दुनिया जो कहती है वो धार्मिकता नहीं, यीशु जो सिखाता है वो धार्मिकता। और यीशु की धार्मिकता ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, और प्यार सभी पापों को ढाप देता है। आज सुबह अपने हाथ को उठाएं और परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करना शुरू करें। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मैं समर्पण करता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी अपने मुँह को खोलें, आज सुबह धन्यवाद करना शुरू करें और कहें, परमेश्वर मैं तेरे सामने आ रहा हूँ, मैं अपने घुटनों को टेक रहा हूँ। हालेलुया, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण। गाइए आवाज उठाकर, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा कर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को नवा कर मैं दिल से ये कह रहा हूँ। मैं क्या गाया, आवाज उठाकर, ओ हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आ जा वशंदना अपनी सामर्थ पे, हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आ जा अपनी सामर्थ से हमें भर दे
ताकत से खुदा तू आ जा। मिलकर गाएंगे आज सुबह आत्मा में होकर बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मिलकर गाएंगे हाथ उठाकर, उठते हुए रावा शंदना सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शत्रु ना बना के निशान। उठते हुए
जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरे, हो आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरे, अद्भुत तेरे पर जो लहरों पर चले, वो आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। टाटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथ है वो मेरे, मुझे चिंता नहीं। बगाएंगे अद्भुत तेरे पर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथ है वो मेरे, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, ओ आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, हो आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, आराधना रवशदना रवा रवंदरा दानी दरदरा। आत्मा में गाएंगे मिलकर, ओ आराधना यीशु तेरी, आज की आराधना हमारा समर्पण केवल यीशु के लिए, ओ आराधना, क्योंकि वो ही योग्य है और कोई नहीं आराधना के योग्य। आराधना स्वर्ग में पृथ्वी में, यीशु तेरी, राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, बचाता है यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों में जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, चाहता है यीशु मुझको, कहीं नहीं है। आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, ओ आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, ओ आराधना यीशु तेरी, पूरा बाम चंदना, आराधना यीशु तेरी,
शरण रे रन आराधना आराधना अपनी सामर्थ से मुझे भर दे अपने प्रेम से खुदा तू आ जा अपनी सामर्थ से मुझे भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आ जा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा तू आ जा अपनी सामर्थ में शंदना तू आ जा तू आ जा हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा आ जा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा अंधेरों में तू रोशनी मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहां ना कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी है अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल भी है तू है जहां कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी एक बार मिलकर हाथ को उठा के गाए मेरे साथ अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता तू है जहां कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी Hallelujah.
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए जमीन। यीशु हम आखिरी एक स्टैंजा और गाने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ है? एक बात मेरे जहन में आई, कह दूं हमारी आराधना अक्सर हमारे मूड पे डिपेंड करता है। कितने लोग मेरे से सहमत है? कोई है यहां पर जो मेरे से सहमत है? हमारे मूड पे हमारी आराधना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने आत्मा के चलाए हैं वो आत्मा में चलते हैं। पौलुस कहता है जितने आत्मा के चलाए हैं वो आत्मा में चलते हैं। उनका मूड आराधना का परमेश्वर की आत्मा तय करती है। आप मेरे साथ हैं? मान लो आज सुबह आप यहां पर आए, आपको किसी ने बुरा भला बोल दिया, आप यहां पर कैसे खड़े रहेंगे? कितने लोग हाथ उठाएंगे? चलो ठीक है, सुबह आप अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रहे थे, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, लाल गाल से यहां पर खड़े, कितने लोग हाथ उठाएंगे? चलो वो भी ठीक है, आप इधर अंदर आए, लेट हो गए, आपको देख के मैंने कुछ बोल दिया। खैर मैं तो सुनता ही हूं हमेशा, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैंने बोल दिया, तो आपका मूड कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? कितने लोग आराधना कर पाएंगे? सच मुझे बताओ, कितने लोग आराधना कर पाएंगे? पौलुस और सीलास मार खाकर, उनके शरीर में घाव हो गया, वो दर्द में हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। एक सच्चा विश्वासी अपने अवस्था में, जो भी प्रतिकूल अवस्था है, उस अवस्था में आराधना करना जानता है। आप मेरे साथ हैं? वो भी सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस सोच से ज्यादा वो ये सोचता है कि मैं ये सोचूं
ये मेरा हल नहीं है, लेकिन आराधना मेरा हल है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? वो ये सोचता है कि जब मैं सोचता जाऊं कि उसने मुझे क्यों मारा, उसने मुझे क्यों गाली दिया, उसने मुझे क्यों परेशान किया, उसने मुझे क्यों तंग किया, उसने मुझे क्यों परेशान किया, मेरे जीवन में इतनी आफतें क्यों हैं, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, अगर मैं ये सोचता रहूं तो वो हल नहीं है, लेकिन अगर मैं आराधना करूं तो हल वहां पर है। आखिरी गाना, कितने लोग मेरे साथ आराधना करेंगे आज? 5 मिनट और। मैं चाहता अपने हाथ को उठाएं, अपने मूड को पवित्र आत्मा से कहिए, परमेश्वर में तेरी सामर्थ्य से भर जाना चाहता हूं आज। हालेलुया, हालेलुया। मेरा शरीर जो कहता है, मेरा सोच जो कहता है, मेरा मानसिकता जो कहता है, मेरा इमोशन जो कहता है, उसको मैं परे रखकर परमेश्वर आज सुबह तेरी आत्मा में आराधना करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरे रास्ते बदल सकता है, तू मेरी मंजिल बदल सकता है, तू मेरा तय किया हुआ हर एक बात को, मेरी योजनाओं को बदलकर तेरी आशीषित योजनाओं से मेरे जीवन को भर सकता है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सारी आंखें बंद हो जाए, हाथ उठाकर परमेश्वर का सुबह आराधना कीजिए। और अब शमदना है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तू मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ अब मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ अब मैं, मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला हो मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्य से धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, मैं कगाए हाथ उठाकर, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, और कोई नहीं, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है यीशु, भरोसा
हो, तू है सच्चा सच्चा हो, तुझ पर भरोसा मेरा। एक बार मिलकर, तू है सच्चा जिंदा खुदा, सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है रेशमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे हुजूर में आते हैं आज। परमेश्वर, स्तुतियों में विराजमान राजाओं के राजा, पूरे दिल से आज सुबह के समय हम हमारे जीवनों को आपके सामने ले आते हैं। हम जैसे हैं वैसे आपके सामने आते हैं खुदा। हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, हम आपकी हुजूरी को मांगते हैं, हम आपके सामर्थ को मांगते हैं। आज सुबह परमेश्वर, हमारे जीवन को आप जानते हैं, हमारी अवस्थाओं को आप जानते हैं। आज हम जब तेरे वचन को सुने, आज हम जब तेरे हुजूरी में और थोड़ी देर बैठे, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन से बात करते रहना, आप हमें स्पर्श करते रहना, हमारे जीवन में जो बदलना है उसे बदलने के लिए आप हमारी सहायता करना। परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ समय और आपकी उपस्थिति में नम्र होकर बैठकर आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते हुए आपके वचन को गहराई में समझने के लिए हमारी सहायता करना, ऐसे प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए प्रेमी पिता। आमीन। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलेंगे, तैयार हैं आप लोग? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्थानों में आप बैठ सकते हैं, धीरे से कुर्सियां उठाइए, एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलिए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए, आराम से अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, मेरे दिल से तुझे धन्यवाद, पूरे मन से तुझे धन्यवाद, ओ यीशु तुझे धन्यवाद, योग्य तू है प्रभु धन्यवाद, योग्य तू है प्रभु धन्यवाद, योग्य तू है प्रभु धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि
स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। लास्ट संडे स्कूल मेमोरी वर्स इज जेम्स 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। हमें बीज बोने वाले के बारे में सिखाया। बीज बोने वाला एक दिन बीज बोने निकला। बीज बोते समय चार अलग अलग जगह पर बीज गिरे। हमें परमेश्वर की बातें सुनना चाहिए और परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए और माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, तो ही हम अच्छे बीज अच्छी मिट्टी के ऊपर गिरे थे वैसे हम बन पाएंगे, तो ही हम 30 गुना 60 गुना और 100 गुना आशीषित होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। एक बार हम मार्कस के लिए ताली बजाएंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार अपने पड़ोसी से मिलिए, कहिए वेलकम। मैंने अगर आप पहली बार आए हैं तो फिर से एक और बार स्वागत। आप बार बार आते हो तो बार बार वेलकम, और बीच बीच में आते हो तो दिल की गहराई से वेलकम। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरुण भाई और उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आज उनको स्वागत करते हैं। आमेन, गॉड ब्लेस यू। वो टोरंटो में जॉब करते हैं और आज सुबह हमारे बीच में उनकी पत्नी और मम्मी साथ में हैं। मम्मी, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रभु आपको आशीषित करें ऐसा हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के बारे में सब कुछ इतना अनोखा है कि यीशु का कब्र भी बात करता है। हालेलुया, आमेन। यीशु का क्रूश बात करता है, यीशु का कब्र बात करता है। यीशु को जिन्होंने छुआ वो बात करते हैं, यीशु ने जिसे छुआ वो बात करते हैं। Everything about Jesus is so unique and so amazing. ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे उसने छुआ नहीं और उसे बदला नहीं। Hallelujah. जहां जहां उसने छुआ, जिन जिन को उसने छुआ, जिन जिन के जीवन में वो आए, जिन जिन के जिंदगी के साथ उन्होंने स्पर्श किया, Hallelujah. जिन जिन के साथ रोटी तोड़ा, Hallelujah. जिन जिन के साथ, Hallelujah. जिनके गधे को उधार लिया, Amen. किसी के नाव को उधार लिया, Hallelujah. Praise the Lord. और वो नाव क्या हो गया? It got changed. Hallelujah. Praise the Lord. आज सुबह यीशु भी आपके जिंदगी को अगर उसने छुआ है तो there is some change which is going to happen. Praise the Lord. Hallelujah. अगर वो आपके परिवार को छूता है, Hallelujah. अगर वो आपके जिंदगी को छूता है, अगर वो आपके करियर को छूता है, अगर वो आपके बिजनेस को छूता है, Hallelujah. Wherever you let him in, जहां जहां भी आप यीशु को अनुमति दोगे, जहां जहां भी आप यीशु को दरवाजा खोल कर दोगे, जहां जहां भी आप यीशु को स्वागत करोगे, वहां वहां यीशु अद्भुत कार्य करता है। Hallelujah. Amen. यीशु एक दिन, हालेलुया, दफन क्या है, दफनालय में गया। दफनालय में क्या था? वहां एक इंसान था जो पागल सा था, जो जंजीरों से उसे बांध नहीं सकते थे, जिसके हाथों में और पैरों में जंजीरें थी, और वो चीखता था, चिल्लाता था, दफनालय में कोई नहीं जाता। लेकिन एक दिन यीशु दफनालय में गया और 2000 सालों से वो दफनालय भी बात करता है। Amen. Praise the Lord. कुछ मरी हुई चीजें हमारे जिंदगी में बात कर सकती है, कुछ चीजें जो जिसमें जीव नहीं है, अगर यीशु उसे छू ले तो वो बात करने लगता है। आमेन। यीशु के कब्र की ओर हम चलेंगे। हम पिछले दिनों थोड़ा सा उसमें से कुछ बातें हमने देखी और आज सुबह हम फिर से उसी जगह पर अपने ध्यान को ले चलेंगे। कहाँ थे हम? यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, जॉन चैप्टर 20। यूहन्ना 20 और उसका 11वीं आयत से हम नीचे पढ़ेंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही।
यीशु के कब्र पर वो आई और उसने क्या देखा, हाँ कि कब्र खुला है और यीशु वहां नहीं है, और वो वहां पर रोती हुई उसी कब्र के पास खड़ी रही। उन्होंने कब्र खुला देखा और कब्र के अंदर यीशु नहीं था, और वो रोते हुए भागी और वो यीशु के शिष्यों के पास गई और उनको कहा कि यीशु का कब्र खुला है, यीशु वहां नहीं है। हाँ, और जो शिष्य थे वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यार कौन चुरा के लेके गया। उनके मन में क्या था, हाँ, कि यीशु के शरीर को कोई चुरा कर लेकर गया, क्योंकि उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि यीशु जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। तो उन्होंने ये देखने के लिए कि सचमुच ऐसा हुआ है कि नहीं, वो कब्र के पास आए। आमीन। वो कब्र के पास आए और उन्होंने कब्र को खुला देखा, कब्र के अंदर वस्त्र देखा, अंगोछे को लपेटा हुआ देखा, और वो क्या किए, दसवीं आयत में, तब वो चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। लेकिन कुछ उतने चेले थे जो आए और देखा और लौट गए, लेकिन एक मरियम थी जो वहां से लौटकर वो नहीं गई। शी डिड नॉट गो। वो उसने क्या किया, शी स्टेड देयर, वो वहां रुक गई। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही। शी स्टूड देयर क्राइंग। वो वहां पे रोते हुए खड़ी रही। हालेलुया। रोते हुए खड़ी रही। क्यों रो रही थी? क्योंकि वो कुछ तैयारी के साथ आई थी। वो डिसअपॉइंटेड थी। उसने सोचा कि यीशु के शरीर को जब उतारा गया, उन्होंने वस्त्रों में लपेटा और उसने रख दिया, लेकिन अब वो इत्र और सुगंधित वस्तुओं को लेकर आई थी कि यीशु के शरीर पर लगाए। सब तैयारी के साथ आई और यीशु का शरीर नहीं है। उसके दिल में उसने क्या क्या सोचा था और क्या क्या तैयार किया था, लेकिन अब यीशु का शरीर वहां नहीं। डिसअपॉइंटेड वो लोग होते हैं जिन्हें कोई आशा है। हालेलुया। अगर आप किसी चीज में आशा रखते हो और वो आशा किया हुआ चीज पूरा नहीं होता तो आप क्या होते हो, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। लेकिन कई लोग निराश होकर वहीं छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो निराशा में भी, हालेलुया, निराशा में भी वो खड़े हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो अपनी निराशा उनको खा जाए उसकी अनुमति नहीं देते, निराशा उनको निगल जाए उसके लिए अनुमति नहीं देते, खड़े रहते हैं। निराश है लेकिन उन्होंने क्या किया, वो खड़ी रही। हेलो, आज अगर आप मुझे सुन रहे हो, जिंदगी में अगर किसी निराशा से आप होकर गुजर रहे हो, तो आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा समय और खड़े रह जाइए। हालेलुया। थोड़ा समय और रुक जाइए। डोंट गिव अप होप। आशा मत तोड़ दो, आशा मत खो दो। हालेलुया। थोड़ा समय और खड़े रहिए। स्टे देयर, स्टिक ऑन। शिष्य देखकर लौट कर चले गए सर हिलाते हुए, लेकिन मरियम वहां खड़ी रही। शी स्टूड देयर। वो रो रही थी लेकिन वो खड़ी थी। जिंदगी में समस्याओं का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं है। हेलो, मेरे साथ हो आप? जिंदगी में समस्याओं का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। समस्या ये बताती है कि गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। हालेलुया। जिनके जीवन में जितना बड़ा प्लान उतना बड़ी समस्या है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? चार दीवार वाला एक झुपड़ा बनाने में समस्या ज्यादा है या 100 मंजिलों का इमारत बनाने में समस्या ज्यादा है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, कई बार समस्याएं आती है तो हम थम जाते, रुक जाते, टूट जाते, सब कुछ खो देते हैं। लेकिन समस्याएं ये कह रही हैं कि परमेश्वर का एक बड़ा योजना आपके ऊपर है। शैतान किसी छोटे समस्या वाले के जिंदगी में आकर उसे परेशान नहीं करता। जिसके जीवन पर बड़ी बुलाहट है, उसके जीवन पर बड़े ललकार है। जिसके जिंदगी के ऊपर परमेश्वर कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है, वो बड़े लड़ाइयों का सामना करता है। शैतान अगर आज आपके पीछे पड़ा, अगर आपका 2022 बहुत सुखी था तो शायद आप टारगेट में नहीं हो, लेकिन अगर
ये कुछ महीने निकल गए और ये महीने में आप बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। परमेश्वर का एक प्लान, एक योजना है आपके जीवन के बारे में। और मरियम वहां रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही। अब प्रॉब्लम क्या है ये पूरे सीन के अंदर? ये पूरे सीन के अंदर प्रॉब्लम ये है, जो मरियम का है वही हमारा प्रॉब्लम है। ये ओके है कि मरियम रो रही है, which is all right। डिसअपॉइंटमेंट हमारे जिंदगी में आ सकता है, हम निराश हो सकते हैं, हम हार सकते हैं, हम टूट सकते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन मरियम रो भी रही है और वो वहां खड़ी भी है, which is all right, which is showing her strength। लेकिन प्रॉब्लम ये पूरे पिक्चर के अंदर ये है कि वो खाली कब्र के सामने खड़ी रो रही है। हेलो, वो खाली कब्र के सामने खड़ी रो रही है। खाली कब्र के सामने खड़े रहकर रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये खाली कब्र क्या है? ये खाली कब्र दिखाता है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। ये खाली कब्र दिखाता है कि यीशु जैसे उसने कहा था वैसे उसने पूरा किया। जब ये खाली कब्र क्या कहता है? ये खाली कब्र कहता है कि मौत यीशु को दबोच नहीं सकी। हालेलुया। कि यीशु विजयंत है। ये खाली कब्र कहता है कि तेरा उद्धार करता अब भी जिंदा है। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब तुझे अब भी मिल सकता है। पूरे पिक्चर में द वन रॉन्ग थिंग, इसकी खाली कब्र के सामने वो खड़ी रो रही। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को थपथपा और कहो, क्या कहो? खाली कब्र पर रोने की जरूरत नहीं है। There is no need to cry because यीशु क्या है? जिंदा है। सच्ची सच्ची हालेलुया, यीशु जिंदा है और वो सच्ची सच्ची जिंदा है। हालेलुया। मरियम वहां पर रोती हुई खड़ी रही। पिछले बार हमने देखा कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे सारे अज्ञानता को भस्म कर देता है। दूसरा, हमने देखा कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे सारे आशाहीनता को खत्म कर देता है। आज हम देखेंगे इस मरियम के जीवन में वो क्यों रो रही थी। What was it that was making her cry? मेरे साथ देखिए, उसका नीचे हम पढ़ेंगे। जब वो रोते रोते कब्र की ओर झुककर और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। अब क्या देख रही है वो? दो स्वर्गदूतों को देखा, दो स्वर्गदूतों को उसने देखा। तो कम से कम अभी लाइट हो जाना चाहिए कि ए, कुछ हो रहा है यहां पे। शरीर चला गया जिसके लिए मैं रो रहा हूं, लेकिन देखो इधर कौन है? यहां पे दो स्वर्गदूत हैं। अब रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही समस्या जो हमारी है वही मरियम का है। वही समस्या जो हमारी है वही मरियम का है। स्वर्गदूतों को देखकर उसका सवाल देखिए आप क्या है। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? हेलो, स्वर्गदूत एक संदेश लेकर आया है, एक पॉजिटिव संदेश है। वो पूछ रहे हैं कि नारी तू क्यों? हेलो, आज प्रभु का वचन आपसे कह रहा है कि हे नारी, हे बेटा, तू क्यों? Why are you crying? खाली कब्र पे आके तू रो रही है। प्रॉब्लम ये है कि मरियम को अभी भी समझ में नहीं आया है। अभी भी मरियम को पूरा यकीन नहीं है। हमने गाना गाया, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। गा तो रहे कि तुम सा कोई नहीं, लेकिन हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। हम सोचते कि प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, सब कुछ खत्म हो गया। हम सोचते कि व्हाट विल हैपन विद माय लाइफ, क्या होगा। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर्गदूत एक संदेश लेकर आए। वो पूछ रहा है कि हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, उसने उनसे क्या कहा?
वे मेरे प्रभु को उठा। अच्छा, स्वर्गदूत इसलिए आए क्या? स्वर्गदूत इसलिए आए क्या? अब देखिए, आप जब आप अपने आप को निराशा के लिए सौंप देते हो, जब आप अपने आप को हताशा के लिए सौंप देते हो, जब आप शैतान के चालों के ऊपर ज्यादा भरोसा और परमेश्वर की ताकत के ऊपर कम भरोसा करते हो, दिस इज व्हाट हैपेंस। आशा वाले सिचुएशन में भी आप निराश रहते हो और ये शैतान का चाल है। आशा से भरे हुए सिचुएशन में भी आप क्या करते हो? हाँ, आप निराश रहते हो। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर प्रभु कुछ कार्य नहीं कर सकता। हेलो, प्रभु का वचन कहता है, क्या है जो मेरे लिए कठिन है? ऐसा क्या है जो मेरा बुझबल काम नहीं कर सकता? वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। यू नो, संदेश में जाऊं उससे पहले एक कहानी बताना चाहता हूं। 1857 में क्या हुआ है? विद्रोह, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 में एक विस्फोट हुआ जिसका नाम था डायनामाइट। एक संशोधन किया गया। अल्फ्रेड नोबल नाम के व्यक्ति ने डायनामाइट का आविष्कार किया। नाइट्रोग्लिसरीन और कुछ मिट्टी जैसे पदार्थ को मिलाकर उससे विस्फोट पैदा किया जा सकता है और ये बम बनाकर हम दूर दूर ले जा सकते हैं। और उसने ये बड़ा संशोधन किया और अल्फ्रेड नोबल विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन समयों में लड़ाइयां बहुत, युद्ध पूरे दुनिया में हो रहा था और इसकी जरूरत थी। अल्फ्रेड नोबल के ये बड़े आविष्कार के वजह से वो विश्व भर में फेमस हो गए। 20 राज्यों में उनके फैक्ट्रीज थे। बहुत बड़ा बिजनेस के मालिक बन गए अचानक रातों रात। 20 राज्यों में उनका व्यवसाय, बिजनेस, इतने हजारों डॉलर कमा रहे। और उस दरमियान ये विस्फोट जो थे उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। आज भी वो जो उनका संशोधन है उसकी वजह से हम लोग बहुत आशीषित हैं। हालेलुया। कुछ विस्फोट आशीषों को लेकर आ सकता है। कैसे विस्फोट आशीष को लेकर आया? क्योंकि हम जिस इमारत में बैठे हैं ये पत्थरों से बना है। ये पत्थर चट्टान को तोड़ने से आता है और वो चट्टान को तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? डायनामाइट। वहां पर डायनामाइट डालकर विस्फोट करते हैं और उससे हम कंकड़ पत्थर बनाते हैं और उससे बिल्डिंग बनाते हैं। जिस रोड पर से आप सफर कर आए वहां पर भी ये है। जिस स्कूटर या जो बाइक या गाड़ी आप चलाए वहां उस खदान में भी क्या यूज हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उससे भी बड़ा विस्फोट 2000 साल पहले यीशु का खाली कब्र था। आमेन। अल्फ्रेड नोबल के भाई का मृत्यु हो गया और बाई मिस्टेक न्यूज़पेपर में छाप दिया कि अल्फ्रेड नोबल मर गए। अब उस समय इंटरनेट थोड़ी था, फेसबुक थोड़ी था, इंस्टाग्राम पर मेरा भाई चला गया ऐसा आप बोल नहीं सकते थे या आप कुछ नहीं कर सकते थे। खबर नहीं फैलती थी, अखबारों से आती थी। तो उन्होंने अखबारों में देखा कि अल्फ्रेड नोबल मर गए करके न्यूज आया है और उस न्यूज आर्टिकल में ऐसा लिखा था, ये मौत का सौदागर था जिसने, हाँ, क्योंकि उस समय उसके सारे डायनामाइट जो थे वो युद्ध में इधर उधर दुश्मनों के ऊपर, लोगों के ऊपर डालने में वो इस्तेमाल कर रहे थे। और उसका नाम रखा गया मौत का सौदागर, अल्फ्रेड नोबल का मृत्यु। अल्फ्रेड नोबल ने अपना नाम पढ़ा और उसके बारे में जो लिखा था वो पढ़ा, वो परेशान हो गया। उसने कहा कि नहीं, मैं मौत का सौदागर के रूप में मैं जाना चाहता नहीं हूं। और उसने उस दिन निर्णय किया जिसके बदौलत नोबल प्राइज को हम जानते हैं। क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जितना भी धन कमा रहा हूं ये अब विश्व के शांति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे मृत्यु के बाद ये सब कुछ जो है उन लोगों को इनाम में दिया जाएगा जो नए नए संशोधन करते हैं पृथ्वी पर जीवन को अच्छा बनाने के लिए, पृथ्वी पर शांति कायम करने के लिए। इसलिए नोबेल पीस प्राइज जो हम सुनते हैं वो अल्फ्रेड नोबेल के बदौलत है, क्योंकि उनके भाई लुडविक जब
गुजर गए, नाम उनका छपा, फोटो उनका छपा, और उन्होंने अपने बारे में पढ़ा। मैं शांति के लिए जाना चाहता हूं, वैसा उसने उस दिन निर्णय लिया। आप किसके लिए जाना चाहते हो? मरियम वहां खड़ी रही और वो रोती रही। झुककर उसने देखा, स्वर्गदूतों को देखा, तब भी उसको चमक नहीं रहा है। क्या कि बड़ा विस्फोट हो गया है भाई, कब्र खाली है। There is no need to be disappointed anymore. अब निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा तूने प्रार्थना किया है तो 110% प्रार्थना का जवाब आएगा, क्योंकि तू एक जिंदा खुदा से प्रार्थना कर रहा है। तेरा खुदा कहीं मरा हुआ नहीं है, तेरे खुदा का कहीं समाधि नहीं है, उनका कोई कब्र नहीं है, कोई वहां पर जाकर चादर नहीं चढ़ाता, कोई वहां पर जाकर फूल नहीं चढ़ाता, क्योंकि यीशु के कब्र पर यह लिखा है कि वो यहां नहीं है, क्योंकि वो जी उठा है। Praise the Lord, Hallelujah. उसके सवाल को हम देखते हैं 13वें आयत में। उन्होंने उनसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। मरियम का जो सिचुएशन है, सवाल से क्या समझ में आता है कि वो मेरे प्रभु को उठा ले गए। प्रॉब्लम क्या हो गया मरियम को? मरियम को लग रहा है कि अब वो अकेली रह गई। जिंदगी बड़ी बेरहम है, कई बार बहुत सारे चीजों को हमारे से छीन कर ले जाती है, बहुत सारे चीजों को हमारे पास से क्या करती है, इट ट्राइड्स टू, और हमें अकेला छोड़ देती है। और पंगा ये है कि हम सोचते हैं कि हम अकेले रह गए, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले रह गए। यू नॉट लेफ्ट अलोन, खाली कब्र है आपके पास, जो एक बहुत बड़ा सच्चाई आपको बताकर दे रहा है कि अब यीशु सिर्फ कुछ चेलों के साथ नहीं, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हर एक के साथ रहता है। हालेलुया। यह सच्चाई बताता है कि अब यीशु मत्ती, मरकुस और यूहन्ना के साथ नहीं, पत्रस के साथ ही नहीं, लेकिन विश्व भर में जहां जहां उसके लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके साथ अब यीशु रह सकता है। सवाल क्या था? कि वो मेरे प्रभु को छीन ले गए। कई बार हमारे हाथों से कुछ लोग, कुछ चीजें छीन जाती है तो हम क्या करते हैं? हमारा सिचुएशन क्या है? हाँ, हमारे बच्चे चले गए, हमने सोचा था बच्चे ऐसे होंगे लेकिन वो चले गए कहीं। हमारी नौकरी चली गई, हम सोचते हैं ओह माय गॉड, मेरी नौकरी चली गई, अब क्या होगा, हमारा धंधा चला गया, तो हम रोते रहते, ओ माय गॉड मेरा धंधा चला गया, पति चला गया, पत्नी चला गया। ये भी हो सकता है, मौत भी बेरहम है, वो क्या करता है, कई बार चीजों को हमसे छीन कर ले जाता है। तो ये सब कुछ जब छीना जाता है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और मरियम के साथ क्या हुआ? यू नो, मरियम क्यों ऐसा कह रही थी, क्यों बाकी शिष्य नहीं रुके, क्यों मरियम ने कहा कि वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। वो उठा ले गए, वो छीन ले गए। आई वॉन्ट जीसस, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती हूं, लेकिन खाली कब्र नहीं देख रही हो, उसे यीशु चाहिए, बट चला गया मेरा नौकरी, चला गया मेरा सपना, चला गया मेरा ये, और हम रुक जाते हैं वहीं पर। कई लोग रुकते भी नहीं है, कई लोग गिर जाते हैं। मरियम तो खड़ी रही कम से कम, रोते 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 हम निराशा के अंदर घुस जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम उस कब्र से भी बड़ी कब्र में हम घुस जाते हैं और अपने आप को अंदर से बंद कर देते हैं कि मुझे अब नहीं आना, मैं इसके अंदर रहना चाहता हूं, सब लोग चले जाओ दूर, मेरे को अपने आप में रह जाने दो, लेट मी बी अलोन, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूं, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं बाहर जाऊंगा तो लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं पास्टर के सामने आऊंगा तो वो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। एंड वी वॉन्ट टू शट द डोर फ्रॉम द इनसाइड, हम अंदर से दरवाजा बंद कर देना चाहते हैं, हम किसी को भी अपने आस पास आना नहीं चाहते, लेकर आना नहीं चाहते, वी जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन एंड वी वॉन्ट टू कीप आर सेल्व्स इनसाइड दैट। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए। यू नो व्हाई शी वाज सो अपसेट, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार इसी में 8वें अध्याय 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे कि मरियम कौन है, उसको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि मरियम कौन है, उसको इतना सारा समस्या क्यों हो रहा है, तो हम देखते हैं
और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तीसरा आयत क्या है? ओके, तब शास्त्री और फरीसी, नो सॉरी, लूका रचित सुसमाचार, योना नहीं, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, माफ करना, लूक चैप्टर 8, क्या लिखा है? और वे बारह के और वे बारह उसके साथ थे और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। तो ये जो मरियम है, इसके अंदर से कितने दुष्ट आत्माएं निकाले? 7, जैसे एक काफी नहीं है। देखिए, दुष्ट आत्माओं को कभी भी आप एंट्री देते हो, आता एक रास्ता दिखाएगा आपको, एक आपके सामने खड़ा है एक, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी फौज है। इसीलिए आप दरवाजा खोलकर मत दो। कई बार हम दुष्ट आत्माओं के लिए, शैतान के कार्यों के लिए दरवाजा खोल कर देते हैं, बोलते चलो एक ही है, चलो आ जा भाई, मैं वैसे तो सब जगह सही हूं, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है मेरे साथ, सब कुछ सही करता हूं लेकिन मेरा एक बुरा आदत है। सब कुछ सही है, मैंने अपने जीवन में सही किया है, मैं प्रभु के साथ, मेरा रिश्ता बढ़िया है, लेकिन पास्टर एक जगह पे, वो कभी एक होकर नहीं आएगा, वो घुसेगा एक, लेकिन बाद में क्या करेगा, और 10 को खींच कर लेकर आएगा। तो क्या शराबी है? नहीं, वैसे तो शराब नहीं पीता। फिर तो क्या जुआरी है? तो देखिए, शराब के साथ क्या जुड़ गया, आप सोच रहे हो, एक चीज अकेला नहीं आता, क्योंकि जब आप शराब पीने लगोगे तो ऐसे दोस्तों के बीच में रहोगे जो शराबी है, और फिर आप क्या करोगे, हाँ, फिर जुआ के साथ और क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा सर? हाँ, नाचने वाली, क्यों हंस रहे हो आप? इट्स अ फैक्ट, राइट? और वो कहां खत्म हो रहा है? इट विल नेवर बी वन। इसीलिए बेहतर है कि दरवाजा आप अच्छी तरह से बंद रखो और एक को भी आने मत दो। कई बार हम जंग गलत जगह पे लड़ते हैं, जिससे साथ लड़ना चाहिए उससे नहीं लड़ते हैं, और उसके साथ हम सोते हैं और प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु मेरे को, हाँ मेरे को बचाओ, प्रभु मुझे उद्धार दो। अरे, जिसके साथ आपको लड़ना चाहिए उसको अपने घर पर बुलाकर उसको अपने आपके साथ लेटा दिया, और अब आप प्रभु को क्या बोल रहे हो कि प्रभु मुझे बचाओ। इट विल नेवर बी वन। आप सोच रहे हो कि भाई इतना सा क्या है, नेवर बी वन। चोर आता है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, और अल्टीमेटली उसका लक्ष्य यह है कि आपके आत्मिक जीवन का वाट लगा दे, आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर दे, आपके आत्मिक जीवन को तहस नहस कर दे। इसलिए बेहतर है कि आप सतर्क रहो। यीशु कितनी बार बाइबल में कहता है कि सतर्क रहो, सतर्क रहो। यीशु ने कितनी बार कहा कि पाप का वेतन, हाँ, यीशु ने स्वर्ग से ज्यादा किसके बारे में बात किया? नरक के बारे में बात किया। आपके बाइबल चेक करिए, यीशु क्यों नरक के बारे में इतना कह रहा था? क्योंकि पाप जो है वो आपको नरक की ओर खींचेगा। शैतान जो है वो भले ही डांस करता हुआ आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य ये है कि किसी भी तरह से आपको उसके साथ नरक की ओर ले जाए। और नरक जो है ये कोई कहानी नहीं है, क्योंकि यीशु ने ये कहा, ये कोई पास्टर की कल्पना नहीं है। नरक जो है, अनंत मौत जो है, आग का झील जो है, जिसको जो शैतान के लिए बनाया गया था, इट इज अ रियलिटी। और ये कोई क्या बोलते हैं, दृष्टांत में कही गई बात नहीं है। वहां दांत पीसना होगा, वहां का कीड़ा मरेगा नहीं। इसीलिए पाप से नफरत करिए, पाप को अपने जीवन से दूर रखिए, पाप के साथ खेलिए मत। क्या लिखा है? मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकालेगी। जो कब्र में पड़ा था उसमें कितने थे? उसमें सेना थी। वो व्यक्ति जो गदरीन में, हाँ, वहां पर गदर देश में था, उसमें क्या थी? उसमें सेना थी। और सेना निकलकर कितने सुअरों में गई? हाँ, हाँ, पूरे झुंड के अंदर चला गया।
यानी एक आएगा तो पीछे पीछे कितने को लेकर आएगा। इसलिए बेहतर है कि आप पवित्रता में जियो, आप सच्चाई पर जियो, आप वचन पर जियो। हाँ भैया सब तो सही है, लेकिन फिर समाज को थोड़ा देखना पड़ता है, फिर इसको थोड़ा करना पड़ता है। हेलो, बाइबल कहता है अंधेरे और रोशनी में क्या संगति, व्हाट इज दी, हाँ क्या मेल बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, हाउ कैन देयर बी। और हम गलत जगह पे, जो जंग हमें लड़ना चाहिए जहां परमेश्वर ने हमें रखा है उसके जगह पर हम अलग अलग दरवाजे खोलते और अलग अलग जगह पर हम अपना पूरा ईंधन खर्च कर देते। जो लड़ाई तुम्हें नहीं लड़ना है उसके लिए दरवाजा मत खोलो, क्योंकि वो लड़ाई के लिए नहीं आपको परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है बड़े कार्यों के लिए। इट इज नॉट टू फाइट दोज बैटल्स। परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके जीवन के बारे में, और जो आप सोचकर देखिए कि आप कहां कहां लड़ाई कर रहे हो, परमेश्वर की भलाइयों को अनुभव करने के जगह पर, परमेश्वर के और से आशीषों को अनुभव करने के जगह पर, परमेश्वर के लिए और सामर्थ्यपूर्ण रूप से कार्यरत होने के जगह पर, परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए जाने के जगह पर, परमेश्वर की महिमा के लिए आपका जीवन बने उसके जगह पर, आप क्या कर रहे हो? यू फाइटिंग कौन सा बैटल? वो बैटल जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया ही नहीं। ऐसे जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से उसने तुझे छुड़ाया, अपना लहू देकर उसने खरीदा तुझे अंधकार के राष्ट्र से, अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में वो तुझे लेकर आया, क्योंकि तेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा की जा सके। हालेलुया। मरियम क्यों रो रही थी? क्योंकि मरियम के अंदर से जो निकाला नहीं जा सकता था वो यीशु ने निकाल दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पीछे गई होगी, क्या क्या उसने नहीं किया होगा, नहीं निकला, लेकिन आखिर यीशु ने क्या किया? उसे आजादी दी। हालेलुया। इसलिए यीशु के साथ इतना वो जुड़ गई कि जब यीशु का शरीर चला गया, दिखाई नहीं दे रहा था उसे, वो सोचने लगी कि यार वो जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया वो भी अब मेरे जीवन से छिन गया। यू नो, कई बार हम पैरेलल करते हैं कि मैं जब 7 दुष्ट आत्माओं से घिरी हुई थी, बंधी हुई थी, तो जिंदगी मेरे हाथ से छीनी गई। कोई दुष्ट आत्मा से भरा हुआ इंसान आपने देखा है कैसे रहते हैं, उनका हालात क्या है, वो किस परिस्थिति में है, चीखना चिल्लाना रोना, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, स्वभाव पे कंट्रोल नहीं, बोली पे कंट्रोल नहीं, गुस्से पे कंट्रोल नहीं, क्या कुछ में बंधे हुए। अब यीशु ने वहां से उसे छुड़ाया। अगला वचन देखिए, वर्सेस 3, जिसमें से 7 निकाले, और हेरोदास के भंडारी खोजा की पत्नी योना और सुजन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपने संपत्ति से उसकी सेवा, वो यीशु का पीछा कर रही थी। यीशु के सारे शिष्य भाग गए जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन मरियम मगदलिनी वहीं खड़ी रही। जब सारे शिष्य सो रहे थे, मरियम मगदलिनी आई कब्र पर अकेले, रात को भोर होते हुए, सुबह सुबह हो ही रहा था कि वो वहां पर पहुंची। देखिए, उसके जिंदगी से बहुत बड़ा कुछ छीन लिया गया, इसलिए वो पूछती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहां उसे ले गए। उसे ऐसा लग रहा था कि ओ दिस इज लॉस्ट, मेरे जीवन से ये छीन लिया गया, मेरा बचपन छीन लिया गया। मुझे ऐसा नहीं होना था, लेकिन मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मेरा बचपन छीन लिया गया, मेरी नादानी छीन ली गई। क्या कुछ हमारे जिंदगी से छीन लिया जाता है। एंड शी वाज सो अपसेट कि अब मेरे को बस यीशु मिल गया था, तो मैंने सोचा कि यीशु अब कभी यीशु को कोई छीनेगा नहीं मुझसे, और मैंने यीशु को ऐसे थाम लिया। उसने सोचा कि मैंने यीशु को कितना थाम के रखा है कि यीशु को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन यीशु को छीन लिया। कहां गए मुझे पता नहीं। आप समझ पा रहे? She was feeling so lost. अरे यार, जिसने मुझे समझ दी, जिसने मुझे मेरे को ढंग मेरे जिंदगी में होश लेकर आया, जिसने मेरे दिमाग को सही किया, जिसने मुझे शांति दिया, उसको वो छीन ले गए। And she was upset. अगर कब्र का एक मुंह होता ना, तो कब्र भी बात करता। एक्चुअली मुंह खुला था कब्र का, और कब्र बात कर रहा था, लेकिन मरियम सुन
नहीं रही थी। तो मरियम नहीं सुन रही थी, तो परमेश्वर ने दूत भेजे, एक नहीं दो दो दूत भेजे, और वो दोनों स्वर्ग दूतों को देखने के बावजूद भी अभी भी मरियम के अंदर सवाल है, वो कहां लेके गए। हालेलुया। अगर कब्र ने, कब्र को आवाज होती तो कब्र चिल्ला चिल्ला कर कहता, हे मरियम तूने उसे नहीं थामा है, उसने तुझे थामा है। और वो कहता है कि जो मेरे हाथ में है उसमें से कोई भी उसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। कोई भी मेरे हाथों से उन्हें छीन नहीं सकता। यू नो, जब हमारे हाथों से कुछ छीना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा जो इमोशन है वो है अन्याय, कि मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा क्यों, क्यों मेरे जीवन में ऐसा होना था, क्यों मेरे जिंदगी में ऐसा होना था, मेरे साथ ऐसा क्यों होना था, क्यों दूसरों के साथ नहीं हुआ, क्यों मुझे, मेरे जीवन में क्यों। हमको ऐसा लगता है कि अन्याय हुआ हमारे साथ, इनजस्टिस। हमको इसलिए क्या चाहिए, बदला चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, हाँ, जब हमको अन्याय का सामना करते हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलता है, कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बदला चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, आई नीड। और अन्याय हमको गुस्सा करवा देता है ना, ना नहीं छोड़ो, ऐसे तो कैसे ले लिया, मेरे पार्किंग में उन्होंने गाड़ी रखा, ये घोर अन्याय है, जाओ लाओ डंडा लाओ, उनकी गाड़ी मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। लोग क्या क्या नहीं करते, अन्याय। बाइबल कहता है कि गुस्सा जो है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ मत करिए। गुस्सा किसके खिलाफ मत करिए, गुस्सा व्यक्ति के खिलाफ मत करिए, गुस्सा मुद्दे के खिलाफ करिए। गुस्सा किसके खिलाफ कर सकते हो आप, आपके पास अनुमति है, यू आर अलाउड टू बी एंग्री, पर किसी इंसान के ऊपर गुस्सा मत करिए। किसके ऊपर गुस्सा करो, मुद्दे के ऊपर गुस्सा करो। आपका पूरा गुस्सा जो है परमेश्वर ने दिया है, बट इट हैज टू बी ऑन एन इश्यू, नॉट ऑन अ पर्सन। आपका गुस्सा एक व्यक्ति के ऊपर मत उंडेल दो, उस मुद्दे के ऊपर उंडेल, विच इज ओके। देखिए नीति वचन 31 का 8 क्या कहता है, नीति वचन 31 का 8, गूंगे के लिए अपना मुंह, जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, उसके लिए तू क्या कर, अपना मुंह खोल। जो अन्याय सह रहा है उसके लिए तू अपना मुंह खोल, और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। जिसका कोई नहीं है उसके लिए तू लड़, लड़ने के लिए तेरे को मना नहीं है, बोलने के लिए तुझे मना नहीं है, लेकिन किसी गूंगे के लिए बोल, जिसकी आवाज नहीं है तो उसके लिए बोल। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि बाइबल हमको सिखाता है कि आप गुस्सा कर सकते हो, आप आवाज उठा सकते हो, लेकिन व्यक्तियों के ऊपर नहीं। और इसलिए बाइबल सिखाता है कि हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, लेकिन किससे है, अंधकार की ताकतों से है, हाकिमों से है, और हवाओं में राज करने वाले अधिकारियों से है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मल्लयुद्ध इंसानों से नहीं है, इट इज नॉट अगेंस्ट पीपल। इनजस्टिस जो है, अन्याय जो है, वो हमारे अंदर भय लेकर आता है। कई बार जो छीन गया ना हमारे हाथ से, कभी कुछ चीजें छीन जाती है तो हमारे अंदर इस प्रकार का न्याय की भावना आती है, बदले की भावना आती है, और वो सब जो है डर के अंदर उसका जड़ है। देयर इज फियर। यू नो, डर के बारे में बोलने का जरूरत नहीं। कोविड के टाइम में क्या हुआ था, क्या हो रहा था, दुकानों में कैसे खींचम खींची, हाँ, सब लोग बोरे बोरे उठा के ले जा रहे, जैसे अभी 4-10 साल के लिए खाना नहीं मिलने वाला है। हाँ, लोग 10-10 पूरे जितने तेल के डब्बे, सब तेल के डब्बे ले जा रहे हैं, जहां जहां जो भी मिल रहा है सबको, दूध के लिए लड़ाई, दही के लिए लड़ाई, जितना भी दूध की थैली है मेरे वहां भेजो, मेरे को चाय पीना है। और तुम्हारे अगर बच्चा है तो कोई बात नहीं, बच्चा नहीं पिएगा, मैं चाय पीऊंगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, आप सोच, हाँ या ना, देखा कि नहीं आपने, कैसे कैसे क्यू में हम खड़े थे, कैसे कैसे लोग लड़ाई कर रहे थे। रोमियो की पत्री 12 और उसका 21 हमें क्या सिखाता है, झगड़े को खत्म करने के लिए, झगड़े को हम झगड़े से खत्म कर सकते नहीं है। वी कैन नेवर सॉल्व अ फाइट विथ अ फाइट।
हालेलुया। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को, तो बुराई को कहीं भी जीतना है तो बाइबल कहता है वो बुराई से मत जीतो। आपके साथ अन्याय हुआ, आपके हाथों से कुछ छीन लिया, आपको किसी ने बदला, डोंट गो टू टेक अ रिवेंज ऑन देम, उनसे आप बदला लेने मत जाओ। आप क्या करो, भलाई से बुराई को जीतो। भलाई से आप जीत सकते हैं, बुराई से बुराई को जीत नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, भलाई से आप बुराई को जीतो। बाइबल हमसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, ऐसा क्यों, क्यों बुरा नहीं करना, क्यों क्यों नफरत नहीं करना हमको, क्यों अन्याय होता है तो हमारे अंदर नफरत उठता है, हमारे अंदर उस प्रकार का जुनून उठता है, क्यों उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो नफरत है वो एक प्रकार का जुनून है जो हमारे अंदर का ईंधन 100% ले लेता है। जो प्रेम के लिए आप ईंधन यूज कर सकते हो, नफरत उसके 100 गुना ईंधन क्या कर लेता है, खपत कर लेता है। हालेलुया। आपने देखा होगा लोग ऐसे गेम्स है जहां पर लोग टायर को जलाते हैं, जैसे गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े इंजन लगाते हैं, मतलब गाड़ी के अंदर रहे नहीं ऐसे बड़े इंजन, छोटा सा कार है जो शायद 1200 सीसी का होगा तो उसके अंदर कैटरपिलर का 2000 एचपी का इंजन लगाते हैं। और वो खेल में ऐसा है कि जो सबसे जल्दी टायर जला सके, यानी आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देना है, और टायर क्योंकि बड़ा इंजन है तो उसका आरपीएम बहुत फास्ट मिलेगा, तो लोग उस तरह से टायर को बर्न करते हैं। तो ऐसे ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट है तो लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे इतना फास्ट घुमाते हैं अपनी गाड़ी, क्योंकि बहुत फास्ट चलाएंगे तभी गाड़ी उतना स्पीड में टायर घूमेगा और जलेगा। हेलो, आप आपका टायर संभाल के रखना चाहते हो, टायर में पंचर होता है तो आप चिपका देते हो, आप हर तरह से कोशिश करते हो टायर को कुछ नहीं हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो टायर को क्या करते हैं, जलाते हैं, उनको मजा आता है। हमारा ईंधन, हमारी एनर्जी हम कहाँ लगा रहे हैं, वेयर आर वी पुटिंग इट, इतना सारा ताकत, इतनी सारी ईंधन, निराश होने में हम कितना सारा ईंधन डाल देते हैं। निराश होकर, डिप्रेस होकर पूरा टांकी लूज करके जाने दो, बोले जाने दो, हमारा सारा ये आशा को बाह दो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया, जो लिखा था आंसुओं में संग बह गया, खोल दिया टांकी, रो 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 रो, हेलो कब्र खुला है, अब कोई तेरे से कुछ भी छीन सकता नहीं है मरियम, अब कोई भी तुझसे कुछ भी छीन सकता नहीं है। मौत जो छीन सकता था यीशु को वो भी हार गया। हालेलुया। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, आप ऐसे कुछ हालातों से हो जहां आप ऐसे कोई लड़ाई में हो जहां आपको लगता है कि यार मेरे से छीन लिया गया है, डोंट गेट इनटू हेट्रेड, नफरत, अपने आप पर क्रोध, अंदर ही अंदर सारा क्रोध भरना, अपने आप को कहना कि मैं बहुत बुरा हूं, शायद मैंने कुछ ऐसा किया है, फिर लोग आकर बोलेंगे तेरे पिछले जन्म के कर्म खराब थे ना इसलिए तेरे साथ ये हो रहा है, हाँ सही बात है। हालेलुया। शैतान आपको झूठ में फंसा कर रखना चाहता है, शैतान आपको वही कहना चाहता है जो आपको निराशा की तरफ खींच कर ले जाएगा, जो आपको वहां कैद रखेगा, नफरत में कैद रखेगा। क्योंकि जो चीज आपको, जो ताकत आपको आपके उन्नति के लिए, आपके आशीषों के लिए, जो आपके बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना था, वो ताकत अभी आप कहां लगा रहे हो, अंदर ही अंदर नफरत, अंदर ही अंदर कैद कर अपने आप को डिप्रेशन में रहने के लिए भी ताकत चाहिए यार, सही है कि नहीं, आप सोच के देखो, आपको एनर्जी चाहिए रियली डिप्रेशन में रहने के लिए, डिप्रेस्ड रहने के लिए आपको, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली सोचना पड़ेगा क्या, जैसे वो टायर जलाते हैं ना, वो पूरी ताकत लगा ले टायर जला रहे, बाहर इंसान कुछ लोग कर रहे हैं क्या बात है यार, इतनी ना कहीं जाओ यार, घूमने जाओ, कहीं दूर जाओ, ये क्या इधर टायर जला रहे हो, कहीं घूम के आओ यार, इतना पेट्रोल इतना ये सब तुम जला रहे हो, हम लोग उधर खड़े रह के हंस रहे, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग हंस रहे हो लेकिन कभी कभी पूरे दिन आप करके आपका पूरा जला देते हो,
आज सुन लो, छीनने वाला तेरे से अब कुछ भी छीन सकता नहीं। यीशु ने खत्म कर दिया, नथिंग, कोई भी आपसे आपकी आशीषों को नहीं छीन सकता। आप सोचते हो कि मेरी नौकरी मेरी आशीष है, नौकरी गई तो चली गई, क्योंकि नौकरी को तूने प्रभु बनाया तो नौकरी गई तो तेरा दिल टूट गया, सब कुछ कुएं में से चला गया। लेकिन तुझे खिलाने वाला यहोवा हीरे हैं या तेरी नौकरी है? नौकरी नहीं है तो मेरा अस्तित्व चला गया, तुझे खिलाने वाला कौन है? तेरे अस्तित्व के पीछे का कारण कौन है? मेरे साथ ये हुआ, मेरे मां बाप ने ये कहा, मेरी बहन ने ये कहा, मेरे भाई ने ये कहा, मेरे चर्च वालों ने ये कहा, छीन गया हमारा आशा, छीन गया हमारा स्तुति, छीन गया हमारा सब कुछ, और हम क्रोध से भर जाते हैं। हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, यू नो क्या जोरदार ताकत है हमारा, स्वर्गदूत को हम डिप्रेस कर देंगे, चांस मिले तो। स्वर्गदूत है, अरे कम से कम उसको देखो आप, महिमा से भरा हुआ है, स्वर्गदूत आ रहा है, इतने महिमा से शब्द, यू नो कोई वहां पे प्रकट हुआ है जो स्वर्गदूत है। आप इतने भर गए हो अंदर ही अंदर विस्फोटक ताकत से, क्रोध से, कि स्वर्गदूत बात कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या पूछ सकते थे यार, मेरे को एक बार मिले तो मैं स्वर्ग का पूरा डिटेल ले लूं, एड्रेस ले लूं, पहुंचने का कि सब, ये कहां से आए, इसका नाम क्या है, स्वर्गदूत अभी क्या बोलने का कि मेरा टायर पंचर हो गया, देखो क्या है, बैठो इधर, हवा लगाओ, ये क्या पूछना स्वर्गदूत से? स्वर्गदूत को पूछो भाई क्या है, यीशु कहां है, यीशु क्या है, परमेश्वर कौन है, तू प्रभु के हुजूरी से आया है, बता मुझे क्या है, सिखा मुझे थोड़ा, अनुभव कैसा है वहां पर, क्या दिखता है वहां तुझे? ना, ये कुछ नहीं, स्वर्गदूत को भी डिप्रेस कर देते हैं। हालेलुया, हंस रहे हम लोग, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत बैठे हैं वहां और दो दो बिठाए कि भाई पैर वाला चुक जाए तो सर वाला देख, हाँ सर वाला चुक जाए तो पैर की तरफ देखे, कहीं तो देखेगा, तो तेरा ध्यान कहीं भी जाए तो स्वर्गदूत दिखाई दे, दोनों को भेजा। आपको क्या लगता है कि पत्थर हटाने के लिए बहुत ताकत चाहिए था इसलिए दोनों को भेजा? नहीं, हालेलुया, दो स्वर्गदूत, उन दोनों से वो क्या सवाल करती है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, छीन लिया, उन्होंने क्या किया, छीन लिया। और मरियम वहां पर बहुत, अब समझ में आ रहा है कि क्यों वो वहीं खड़ी रही, गुस्सा आ रहा था उसको, ये रोमियो को तो मैं नफरत, क्या क्या अंदर हो रहा था। कई बार ऐसा आता है प्रभु वचन लेकर आता है तो भी दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हम लोग क्या भरे, नफरत से भरे। हालेलुया, कई बार हम परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे, क्यों, क्योंकि नफरत, ये पास्टर को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, इतनी बैंड बजाते मेरी, हाँ क्या करूंगा मैं इनको, आने दो बाहर, वचन हम नहीं सुन रहे, या प्रभु ऐसा क्यों बोलता है मेरे को हमेशा, या प्रभु मेरे से ऐसा क्यों बात कर रहा है, प्रभु क्यों वहीं छूता है जहां पे पेन होता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि तू उस दर्द में नहीं रहे, प्रभु चाहता है कि तू उसमें से निकल जा, प्रभु चाहता है कि तू गलत जंग मत लड़, जो लड़ाई तेरे लिए नहीं बनाया वो लड़ाई मत लड़, तेरे लिए परमेश्वर ने कोई और लड़ाई बनाया है, वो लड़ाई लड़, और वहां पर प्रभु ने तेरे लिए जीत रखा है, उसे, उस जीत को पा ले। हालेलुया, रोमी 12 और उसका 19 पढ़िए जरा। हे प्रियो, हाँ, बदला ना लेना, बदला ना लेना, ओके, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, हाँ परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, हाँ बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना प्रभु का काम है, आप बदले के पीछे अपना ईंधन मत खर्च करो, कोई आपसे कुछ नहीं छीन सकता, Nobody can. एक यीशु के संतान के हाथों से कोई कुछ छीन सकता नहीं है, you don't have to fight them. No problem. तू लेके गया है तो मेरा प्रभु का योजना होगा लेके जाने का, तू गया तो ठीक है, प्रभु की कोई योजना है कि तू जाना था मेरे जीवन से, गुड,
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास कर सकते, लेकिन हमने कब, जब चीजों को प्रभु बना लिया है तो वो चले जाते, तो हम लोग इंसानों को बना दिया, रिश्तों को बना दिया, तो वो चले गए तो हमको ऐसा लगता है ओह माय गॉड सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। बदला न लेना परंतु क्रोध को क्या करो। हाँ ये भी है, प्रभु भी चांस देखता है कि सही चांस पे मैं क्या करूं। हाँ तेरे खिलाफ इसने ये किया बेटा, अभी इसको ऊंट को पहाड़ के नीचे। हम लोग कई बार चाहते अभी 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 प्रभु अभी 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 चल जाए, तो बोलते नहीं 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 क्रोध मेरा है। हाँ तेरे खिलाफ उसने कुछ किया, बदला मैं लूंगा। हेलो, जो तुझे छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा क्योंकि यहोवा योद्धा है। हेलो, मेरी जंग खुदा लड़ेगा। अरे बाबा मैं, ऐसा लगेगा कि मैं कमजोर हूं, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, ऐसा सब लगेगा, लगने दो, लेकिन मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरा यहोवा लड़ेगा। लगेगा कि छिन गए, खो गए, ये चला गया मेरे से, मैं निराश हो जाऊंगा, मेरे पास मैं हताश हो जाऊंगा, जिस यीशु को मैंने इतना चाहा, जो मेरे जिंदगी में रोशनी लेकर आया, जिसने मेरे जीवन को खुशी लौटाई, जिसने मकसद दिलाया, वो यीशु चला गया, अब मैं निराश नहीं हूं तो क्या हूं पास्टर साहब? यीशु को कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई नहीं छीन सकता वो जब तेरे साथ है तो तेरे से और कुछ भी कोई छीन सकता नहीं है। हेलो, सही है कि नहीं? नहीं छीन सकता कोई, परंतु प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया, मैं ही। 21 आयत पढ़िए। हाँ उसी में। हाँ, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से ही। ओ यस, भलाई से ही। मेरे पास समय नहीं है। यूहन्ना 10 उसका 28, योहन्ना 10 और उसका 28 जी। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे। हाँ, बाइबल में यीशु कहता है कि कोई भी मेरे हाथ से तुम्हें छीन सकता, तो फिर आप क्या चिंता करते हो कि आपके हाथ से क्या छीन गया? अगर आप उसके हाथों में हो, आपके हाथों से कोई कुछ छीन सकता? हालेलुया। एक और बार देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। खाली कब्र बताता है कि छीनने वाले का एंड आ गया है। हालेलुया। अब आपसे कोई भी कुछ छीन सकता नहीं है, आपका आनंद कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आपका आनंद प्रभु में है। हालेलुया। आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। हाँ, मसीह यीशु के प्रेम से क्या हमें जुदा, पढ़िए ना सर वो वचन, मसीह यीशु के प्रेम से क्या हमें जुदा कर सकता है? पूरा लिस्ट है कि क्या हमको मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है। रोमन्स, मसीह के प्रेम से क्या हमें जुदा कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। क्या हमें जुदा कर सकता है? नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। क्या भुखमरी, क्या हाँ? या क्या नग्नता, क्या बीमारी, क्या गरीबी। हालेलुया। ये सारा लिस्ट देकर 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 क्या कहा? हाँ, कि मसीह के प्रेम से हमें क्या जुदा कर सकता है? आपको उसने थाम रखा है। हेलो, कब्र, खाली कब्र ये कहता है कि अब तेरे से कोई कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि तुझे उसने थाम रखा है। हालेलुया। योर फ्यूचर कैनॉट बी स्नैच फ्रॉम यू। आपका भविष्य आपसे छीना नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? अगला आयत, जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के नाई गिने गए। लेकिन मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? यीशु ने कहा जो मेरे हाथों में है उसे कोई छीन सकता नहीं है। हालेलुया। यू नो, इवन मौत नहीं छीन सकता, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मौत छीन लेती है लोगों को। नहीं, गलत इंफॉर्मेशन। मौत की कुंजी आज किसके पास है? शैतान के हाथों में है।
नहीं, किसके हाथों में है? कहां लिखा है ऐसा? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 17 और 18 आयत। इवन मौत आपको नहीं छीन सकता, क्योंकि जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ उसने मौत को हरा दिया, और मौत की कुंजी किसके हाथ में है? इट इज विद हिम। पढ़िए क्या लिखा है, डरना, प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 17 क्या लिखा है? जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर। आज सुबह यीशु कह रहा है मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मसीह के प्रेम से क्या हमें अलग कर सकता है? नॉट इवन डेथ। हालेलुया। मौत भी आपको नहीं हरा सकती, मौत भी आपके हाथों से छीन नहीं सकती कुछ। हाँ, रिश्ते चले जाएं, हम प्यार करते वो लोग हमारे हमें छोड़कर चले जाए, लेकिन यीशु हम आपके लिए हमेशा है, यीशु आपके लिए है, और यीशु ने देख रखा है। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। आपको अकेला उसने नहीं छोड़ा है, ही इज विथ यू। आमेन। वो आपके साथ है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में वो कहता है देखो मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। Revelation 21 verses 4 and 5 and I want to end here. Hallelujah. जी, वो उनकी आंखों से सारे आंसुओं को पोछ डालेगा। Hallelujah. Yeah. और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, और पहली बातें सब जाती रही, और देखो मैं सब कुछ नया, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छीनने वाले के हाथ को यीशु ने तोड़ दिया। हालेलुया। मरियम रो रही थी कि वो मेरे प्रभु को कहां ले गए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहां लेके गए। स्वर्गदूत उससे सवाल कर रही थी। हालेलुया। लेकिन उसने ये नहीं जाना कि यीशु अब युगानुयुग जी रहा है। मौत की कुंजियां अब यीशु के पास है। हालेलुया। मौत भी अब यीशु को उससे जुदा नहीं कर सकता। देयर इज नथिंग। क्या है जो मसीह के प्रेम से आपको अलग कर सकता है? आपको मसीह के प्रेम से नहीं। आपने अगर बराबर पढ़ा होगा तो वहां पे क्या लिखा है, मसीह के प्रेम को आपसे हो या आप उसे नहीं थाम रहे हो, एक्चुअली वो आपको क्या कर रहा है, ही इज द वन हु इज होल्डिंग यू, वो आपको थाम रहा है। ही इज द वन हु इज होल्डिंग योर हैंड्स एंड सेइंग बेटा बेटी आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपके विलाप के दिन खत्म। हालेलुया। आपके निराशा का दिन खत्म। कब्र खाली है। हालेलुया। द टूम इज एम्प्टी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु, ये खाली कब्र 2000 साल बाद भी हमसे बात कर रहा है। हमें से कई बार कई जगह पर प्रभु निराश हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम गिर जाते हैं। हालेलुया। मरियम के समान चीजें दिखती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। हालेलुया। हम कई बार इतने निराश हो जाते हैं, हम अपने विश्वास, हमारा विश्वास टूट जाता है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचनों से आज आपने हमें दृढ़ किया, इसलिए धन्यवाद। आपके प्रेम से आप हमें दृढ़ कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद। लगातार हमसे बात करिए। हालेलुया। प्रभु जी, हालेलुया, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आज जो आए हैं उन सब के ऊपर तेरी आशीषों को मैं बोलता हूँ, तेरे प्रेम से, तेरी आशीषों से उन्हें भरना। ये वचन प्रभु उनके जीवन में अद्भुत फल उत्पन्न कर, ऐसा होने देना। कोई भी चीज हमें हमारे हाथों से कुछ भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु, हमें दुखी या निराश या क्रोध से भरा हुआ या नफरत से भर जाने की हमें जरूरत नहीं है। हम क्रूश पर आ सकते हैं, हम उस खाली कब्र पर आ सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि आप जिंदा हो हमारे लिए। हालेलुया। कि आप जीवते हो हमारे लिए। हालेलुया। आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण करना। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। जेनिफर आएगी और अनाउंसमेंट्स को हम देखेंगे। आमेन। जय मसीह की सभी को थोड़ा जोर से जय मसीह की सभी को। क्या आप लोग खुश हैं आज? क्योंकि मैं खुश हूँ।
आज का प्रचार सुनने के बाद. आप लोगों का हम स्वागत करते हैं, एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं न्यू फैमिली का. आइए अनाउंसमेंट्स देखते हैं. प्रेयर रिक्वेस्ट है ग्रेस हाई कोर्ट से. ब्रदर विनीश जिनके पिछले दिनों आंटी और ग्रैंड मदर पास्ट अवे, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ब्रदर विनीश को अपनी प्रार्थना में याद रखना, उनके परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना. ग्रेस सेंट्रल से प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर अनीता जिग्नेश, ब्रदर जिग्नेश और उनके फैमिली के लिए. उनके फैमिली में तकलीफें चल रही है, उनके बिजनेस में इश्यूज हैं, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेगा, ज़रूर ग्रुप में एक बार प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ लीजिएगा. डेली मॉर्निंग डिवोशन जो कि होता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे जूम पे. ग्रेस किड्स होता है जूम पे हर गुरुवार को 6 बजे, जिसमें ग्रेस के सारे बच्चे ज्वाइन होते हैं. तो पेरेंट्स से निवेदन है कि आप देखें कि आपके बच्चे अच्छे से ज्वाइन कर रहे कि नहीं कर रहे. जैसे कि ग्रेस टीन्स होता है वैसे ग्रेस ब्लास्ट भी होता है, जो कि होता है हर शुक्रवार को 7 बजे जूम पे, जिसे हम ग्रेस टीन्स के नाम से भी जानते हैं. फ्राइडे को जैसे दूसरा मीटिंग भी होता है, वो होता है यूट्यूब पर लाइव आता है, जो कि है सत्य की लहर एको, जो कि 8:30 बजे आता है यूट्यूब पर. तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर जितना हो सके वो लिंक शेयर करें. सैटरडे को होता है 6 बजे शाम को यूथ मीटिंग, जिसे अब हम अदर साइड के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रेस वेस्ट में होता है. ग्रेस के सारे यूथ्स वहाँ पे होते हैं. 3 बजे से वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है, मीटिंग 6 बजे होता है, तो जो वॉलेंटियर्स है वो पहले जाते हैं. तो सभी यूथ से निवेदन है कि आप ज़रूर वो भी अटेंड करें एवरी सैटरडे. ब्रदर आकाश नारा ग्रुप में सारे डिटेल्स भेज देते हैं टॉपिक्स के साथ, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर वो भी अटेंड करें. जैसे कि पिछले दिनों अनाउंसमेंट हुआ VBS का, जो कि होने वाला है June 3rd and 4th को. आई होप रजिस्ट्रेशन सारे बच्चों के पेरेंट्स ने कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ करें. लिंक एक और बार ग्रुप में आ जाएगा आज शाम तक, उसमें सारे डिटेल्स है. वेन्यू अगर अभी तक आपको पता नहीं चला है तो आने वाले दिनों में वो भी कन्फर्मेशन मिल जाएगा. जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले 2 रविवार से संडे का टाइम चेंज हो गया है, जो कि 8:15 बजे हो गया है. तो ज़रूर याद रखना कि टाइम्स चेंज हो गए हैं, 8:15 बजे से संडे सर्विस होता है. जन्मदिन इस हफ्ते है पास्टर प्रिंस की दोनों बेटियों का जन्मदिन. जोहाना का जन्मदिन है 16 मई जो कि है कल, और जॉइस का जन्मदिन है 18 मई को. जॉइस प्रिंस 20th को है उमंग राय का जन्मदिन, और 21st को है ब्रदर रॉबिन्सन का जन्मदिन. सबके लिए एक आशीष का वचन बोलेंगे. गॉड ब्लेस यू. पार्टीज इतने सारे लोग में से कोई तो दे दीजिएगा प्लीज़. एनिवर्सरी है ब्रदर विनोद एंड सिस्टर टीना की आज, तो आप ज़रूर उन्हें भी विश कर दीजिएगा. उनके लिए भी एक आशीष का वचन बोलेंगे. गॉड ब्लेस यू. सभी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, जिनके भी बर्थडेज एनिवर्सरीज है और जिनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आई है उनके लिए भी, और बाकियों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं ऑब्वियसली. ये हमारी ग्रेस कनेक्ट है, आप ज़रूर सोशल मीडिया में हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं. बहुत सारे रील्स वीडियोज़ आते रहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं. सभी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेगा. 8:15 बजे इज़ द न्यू टाइमिंग ऑफ द सर्विस. तो आप सभी लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी, और प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू जेनिफर. हालेलुया. आई एम अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे. आमेन. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं एक और बार इस दिन के लिए. जब से हम आए तब से प्रभु आप हमसे बात करते रहे, आपकी आत्मा हमारे बीच में हमसे कार्य किया, अपने अपने वचनों से हमें दृढ़ किया, इसलिए धन्यवाद. धन्यवाद कि प्रभु हमारे हाथों से कुछ भी छीना नहीं जाएगा. हालेलुया. क्योंकि हम अब आपके हाथों में हैं. हालेलुया. और आपने हमें सुरक्षित रखा है. हालेलुया. आप हमारे धन हो, आप ही हमारे सब कुछ हो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि अधोलोक की कुंजियां और मौत की कुंजियां आपके हाथ में हैं. हालेलुया. देयर इज नो फेलियर. ऐसा कोई हार नहीं जो अनंत है. हालेलुया. जिसे आपकी चाबी खोल नहीं सकती. हालेलुया. प्रभु ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे आप चंगा नहीं कर सकते. हालेलुया. ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल आपके हाथ में नहीं है. हालेलुया. प्रभु जी हम विश्वास के साथ आपकी ओर देखते हैं. हालेलुया. मरियम के समान निराश होकर, हालेलुया, ओ प्रभु, हालेलुया, वहां स्थगित रहने के लिए नहीं, लेकिन हालेलुया निराशा
के बीच में भी हालेलुया, आपके स्वर्गदूतों का वचन को सुनने के लिए हालेलुया, आपके स्वर्गदूतों की उपस्थिति जो आपने भेजी है उसको महसूस कर हालेलुया, अपने विश्वास के जीवन को बड़े दृढ़ता के साथ जीने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें। हालेलुया, धन्यवाद कि इतने अद्भुत वचन आपने हमें दिए हैं आज सुबह। हालेलुया, आपके बच्चों के लिए धन्यवाद, सप्ताह भर उन्हें संभालना पिता, वो आए जाए जहां भी हैं प्रभु आपके लहू के नीचे आप उन्हें ढक कर रखना पिता। हमारे प्रियजन जो बीमार हैं जिन्होंने विनती की है प्रभु उनकी प्रार्थना के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नए रास्ते खुले ऐसा होने देना पिता। प्रभु जी इस दान और दशांश को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो आपके बच्चे इस भवन में लाए हैं प्रभु ये धन आपके राज्य की महिमा के लिए खर्च किया जाए ऐसा होने देना, इसे आशीषित करना। जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया है उन्हें प्रभु हालेलुया आप आशीषित करना, हालेलुया हर एक की जरूरत को पूरा करना, उनके मेहनत को सफल करना, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, इस सप्ताह हमारे प्रियजन जो अपने बर्थडे मना रहे हैं उनकी जिंदगी के लिए धन्यवाद, उन बच्चों के लिए धन्यवाद, उमंग के लिए धन्यवाद, रॉबिन भाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया, उनके ऊपर तेरी आशीषों को हम बोलते हैं। विनोद और टीना के लिए धन्यवाद, एक और साल हालेलुया उनके शादी में आपने दिया इसलिए धन्यवाद पिता, आपकी महिमा के लिए वो जी ऐसा होने देना। हम सबको तेरे पंखों के तले संभालना, तेरे लिए तैयार करना, आदर और महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से हम मांगते पिता, सुन और ग्रहण करना, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे, आमेन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करें, आमेन। हालेलुया।